करीब हम इस वक्त सियालकोट में मौजूद हैं और डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहबा का ये बनाया हुआ उनका अपना पर्सनल लेकर अस्पताल की बिल्डिंग है, तो बहुत अच्छी कंडीशन में, नई कंडीशन में यहाँ पर आए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ एडी मलिक साहब हैं, इनकी पूरी टीम मौजूद है, सारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं, काजमी साहब मौजूद हैं यहाँ पर, और उसके साथ मलिक साहब तारुफ करा रहे हैं, मलिक आबिद साहब मौजूद हैं, मलिक यासिन साहब मौजूद हैं, आतिफ भाई मौजूद हैं। सिलसिला ये है कि ये बड़ा जदीद किस्म की बिल्डिंग बनी हुई है और हम यहाँ पर जिस तरह हमने कोटली आजाद कश्मीर फ्री डायलिसिस सेंटर और फ्री दस्तरखान के लिए काम कर रहे हैं शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी DHQ के जो MS हैं उनसे कल मीटिंग हुई थी जगह के हवाले से, एक उनकी जगह देखी हमने डायलिसिस के लिए, वहाँ दस्तरखान तो शुरू कर ही रहे हैं और यहाँ पर भी ये जगह देखी डायलिसिस के हवाले से, बहुत अच्छी जगह है। एडी मलिक साहब साथ मौजूद हैं, एडी साहब क्या बोलेंगे जगह के हवाले से? जगह तो बहुत अच्छी लगी, हम इधर ये करते हैं खाली डायलिसिस नहीं, इधर OPD के डॉक्टर भी, और ये प्रॉपर अगर हमें मिल जाए फ्री हॉस्पिटल बन जाए, फ्री हॉस्पिटल टाइप हम बना देते हैं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी फ्री होगा, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। पहले साहब क्या समझते हैं यहाँ के लोगों की जरूरत के हवाले से, जो बेसिक नीड है यहाँ से, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, यहाँ से लोगों को काफी डिस्टेंस से सफर करके जाना पड़ता है, तो यहाँ पे अगर ये सहूलियात प्रोवाइड की जाए मैं समझता हूँ ब्लेसिंग है, और आप लोगों की काविश को हम सराहते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों ने इतनी एफर्ट की है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। ये बिल्डिंग असल में डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहब की कोशिश है ना, ये काफी देर यहाँ गरीब लोगों के लिए माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से चल रहा था यहाँ प्रोजेक्ट, अभी इसको दोबारा इसको रन कर रहे हैं, और आपका शुक्रिया आप तशरीफ लाए, और इस रूरल एरिया में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से कोई प्रॉपर ना कोई इधर बंदोबस्त नहीं है, उस वाले से अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा कदम होगा आपका इस इलाके के लिए। थैंक यू सर। जी मलिक जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जफर भाई आपका, मलिक साहब का, बाकी दोस्तों का भी, क्या आप लोग तशरीफ लाए इधर, सिर्फ आप ये देखें कि तकरीबन आगे 300-400 के करीब गांव हैं जिनकी ये जरूरत है, और मैं चूंकि रिलेटेड हूँ इससे स्पेशली अपना डायलिसिस से, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग बेचारे जलील हवार, और अभी तो समझे गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ कार्ड है उसकी वजह से लोगों को सहूलत मैसर है, मगर जब नहीं थी तो लोग बेचारे वजीराबाद गुजरांवाला दूर दूर से यहां पे फ्री डायलिसिस के लिए आते थे, तो आपका ये एक बहुत बड़ा कदम होगा हमारे लिए, हमारे ऊपर एहसान होगा और इन इलाके के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आपका एहसान होगा, जो आप इधर डायलिसिस सेंटर और स्पेशली जो आप हॉस्पिटल का मलिक साहब ने, और आपने हमारे साथ वादा, तो वादा ही समझ ले वादा आप लोगों ने किया है, तो आप लोगों का फिर एक दफा हम लोग शुक्रिया था। बहुत शुक्रिया सर। आते भाई लोकेशन कैसी लगी ये वाली? अपना जफर भाई बहुत अच्छी लोकेशन है और इधर जरूरत भी है, छोटा था एक अच्छा सा हॉस्पिटल बन सकता है डायलिसिस के साथ साथ, और OPD भी अच्छी खासी है, मतलब इंशाल्लाह। मैं यही गुजारिश करूंगा, एडी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, और माशाल्लाह इनके दोस्त भी अच्छे हैं, बैरिया टाउन के जितने भी डीलर्स हैं सब इनकी बात सुनते हैं, अगर ये एक छोटी सी अपील करते हैं तो अल्लाह ताला ने इनकी जबान में इतनी तासीर दी है कि एक घंटे आधे घंटे में करोड़ों रुपए ये अपने फोन कॉल पे से जमा कर लेते हैं, यही वजह किसी भी मुश्किल घड़ी में हम इनसे रब्ता करते हैं और ये फिर अपना पूरा सिस्टम चलाते हैं। फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहबा अभी सुबह अचानक चली गई, उनकी वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वक्त वो बेहोश है और एक अस्पताल में है, उनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत नसीब फरमाए, और मैं तो कराची की तरफ निकलूंगा लेकिन AD साहब जो है ये फिर उनसे मीटिंग करके कल इस्लामाबाद में किन बुनियादों पर हमारा उनका ज्वाइन वेंचर हो सकता है यहाँ पर, किस तरह से फ्री डायलिसिस सेंटर, क्योंकि जगह बहुत आइडियल है, शहर के बीचों बीच है और सियालकोट में अगर हम इस किस्म की कोई एक सर्विसेज देते हैं तो लाजमी बात है सियालकोट के मुखैर हजरात को जुड़ना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर फ्री डायलिसिस सेंटर खोलते हैं और उसके महीने के अखराजात 20 लाख रुपए हैं, 25 लाख रुपए, तो वो 10-20-25 लोगों ने अपने जिम्मे हर महीने लेने होंगे, भाई मैं हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा या 50,000, ताकि हम इस काम को और अतराफ के गांवों देहातों में बढ़ाएं और आगे की तरफ बढ़ाएं, ऐसे ही है सर इंशाल्लाह। तो मैं फिर आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, सियालकोट के लोग अगर हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह, जिस तरह हम कराची में और दीगर शहरों में बेहतरीन सर्विसेज मेडिकल की फराहम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया खर्च किए बगैर ये सर्विसेज मिलेंगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे जी? मैं सब कुछ ये कहता हूँ हमारे साथ कदम के साथ कदम मिला के चलें, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है और इसकी बहुत सख्त जरूरत है, और सियालकोट की आवाम को मैं अपील करता हूँ कि वो लाजमी इस हमारी एफर्ट में हमारा साथ। जजाकल्ला।